वेलकम बैक टू वीडियो ऑफ GTA 5। सो यार कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो यार इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का यार, फटाफट से जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो करो यार। तुम लोग फॉलो नहीं करते और बोलते हो वीडियो जल्दी डालो, एंड यार इतनी लंबी लंबी वीडियो मैं डालने वाला हूँ उतने यार मेरे को लाइक टारगेट ना कंप्लीट चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार क्या कर रहे हो यार, मतलब सब्सक्राइब करो यार, डेली वीडियो आ रही, टाइम पे वीडियो आ रही तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको लास्ट एपिसोड गाइस याद नहीं है ना तो मैं आपको लास्ट एपिसोड में ले चलता हूँ गाइस। तो यार लास्ट एपिसोड में आपको पता है ट्रेवर ने मुझे धोखा दिया और अपने जो दुश्मन है ना गोस्ट मास वगैरह भाई उनसे वो लोग मिल चुका है और वो लोग मेरे को रास्ते में से ले जा रहे थे, बट मुझे ना रेड निंजा ने फाइनली बचा लिया और गाइस सबको भाई बैंड बजा दी। फिर गाइस हम लोग बच के ना घर पे आ जाते हैं और गाइस वहाँ पर हम लोग प्लानिंग करते हैं जो अपना पुरानी वाली जो मेंशन है ना, अपना हाईफील्ड वाला मेंशन आपको याद होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो। यार वहाँ पर हमने अपनी KSPG वाली सिक्योरिटी लगवाई थी गाइस, आपको याद है अपने को K ने भी धोखा दिया है तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ भाई K पे अटैक करने हैं क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा उसके पास आर्मी वगैरह नहीं है, मतलब वो इतना पावरफुल बंदा नहीं है। तो मैं जाता हूँ फटाफट से उस पर अटैक वगैरह करता हूँ एंड उसका पीछा करता हूँ, बट साला वो ना भाग जाता है क्योंकि अपना जो कार होती है वो खटारा होती है एंड भाई मैं लोल हो जाता है और कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तो यार चलो गाइस आज हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं, चलो फटाफट से ना अब इस वाले एपिसोड में चलते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारी बातचीत वगैरह कर दी अपनी हैकर गर्ल और वगैरह सबसे बातचीत कर ली, अभी प्लानिंग वगैरह करना है, लेस्टर को भी बुलवाना है क्योंकि अभी मास्टरमाइंड बनवाना है। अभी आज से ना भाई सबको मारना है, अपने दुश्मन कितने हो चुके भाई, के हो गया, ट्रेवर हो गया, मास्कमैन हो चुका है और एगल के दो भाई हो चुके हैं और वो GTA 3 का क्लाउड, तो इतने सारे अपने विलन्स हो चुके हैं ना। और अपना जो गैंग का लीडर है उसका भी बदला लेना है जो बेचारा मर चुका है। और गाइस ट्रेवर ने धोखा दे के ना बहुत गलत काम किया है यार गाइस, मैं उसको ना छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, सो कोई बात नहीं यार चलो अभी फटाफट से ना। और यहाँ पर अपनी एक आधी एक बढ़िया सी ना एक कार पिकअप कर लेते हैं, अभी कौन सी कार पिकअप करूँ मुझे ना, एक काम करते हैं आज अपन लोग एक बढ़िया सी आज लैम्बोर्गिनी सियान चलाते हैं क्या, या एक सेकंड मेरे पास आज जिसने नहीं देखा कार कलेक्शन वो देख लो यार, इतने सारे अपने कार है भाई। ये शोरूम नहीं है, अपना शोरूम तो अलग है आपको याद ही होगा, ये अपना खुद का कार्स कलेक्शन मैंने इधर अपना जो है ना मेंशन मैंने भी मेंशन के जस्ट साइड में बनवाया है जो कि यार बढ़िया लगता है गाइस। अभी एक काम करता हूँ मैं ना आज लैम्बोर्गिनी सियान ही चलाता हूँ, क्या बोलते हो, बहुत दिनों से अपन लोग अपनी क्या कहते हैं दूसरी वाली GT कार ही चला रहे हैं जो कि यार बहुत खतरनाक मॉडिफाइड करवाई है, सो कोई बात नहीं। और ये लैम्बोर्गिनी सियान भाई साहब बहुत बढ़िया लगती है, बट अब नहीं लगती जब पहले लगती थी ओल्ड टाइम पे, अब यार बढ़िया बढ़िया कार्स आ गए इससे भी, बट चलो यार अभी ओल्ड है तो ओल्ड गाइस, ओल्ड इज गोल्ड गाइस, ठीक है ना। तो चलो यार फटाफट से ना चलते हैं और गाइस लेस्टर के पास चलते हैं और फटाफट से एक सेकंड किसी की कॉल आ रही है पता नहीं गाइस, मैं कॉल उठाता हूं और बातचीत करता हूं। ऑलराइट यार मुझे ना अभी कॉल आई थी कोस्मास की भाई, जो अपना सबसे बड़ा वाला विलन है जो कि इतना पावरफुल वाला विलन है आपको याद होगा वो गोस्ट मास भाई, उसके अंडर में इतने बड़े बड़े वाले माफिया काम करते हैं ना, मतलब मुझे उसका कॉल आया, वो कह रहा है कि तुम फटाफट से ना मेरे पास आ जाओ, तुमसे कुछ बात वगैरह करनी है और मैं दुश्मनी कुछ भी नहीं करनी है तुमसे भाई, ये क्या कह रहा है। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, मैं अकेला जाने वाला तो हूँ नहीं भाई, निंजा सिक्योरिटी फटाफट से रेडी हो जाओ, चलो फटाफट से चलो। और भाई मैं मुझे रिस्क वगैरह लेने नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पे जाकर ट्रैप वगैरह हो जाऊँ एंड बेवकूफ़ की तरह, तो मैं सारी सिक्योरिटी वगैरह लेके जाऊँगा यार, फटाफट से अपने बंदे रेडी करता हूँ। ऑलराइट यार सारे के सारे बंदे को मैंने इधर बुलवा दिया है और भाई मेरे लैम्बोर्गिनी सियान को भाई पार्क कर देना ठीक से। चलो यार अभी एक और भाई अपने सारे के सारे भाई 10-15 लोग 20 लोग तो आराम से आ जाएंगे, चलो अभी 20 या 15 लोग लेके जाएंगे साथ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, NSG सिक्योरिटी यार गाइस बहुत ही खतरनाक है। चलो यार फटाफट से बिट देना यार गाइस, चैट पे लिख देना NSG अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यार चलो फटाफट से चलते हैं और मुझे नहीं पता यार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, फाइट वगैरह कुछ नहीं करनी है और बस तुम मुझसे मिलने आ जाओ और मैटर सॉल्व करते हैं। यार गाइस क्या बोलते हो, मैटर सॉल्व हो जाएगा क्या, क्या बोलते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो इतना बड़ा वाला माफिया है, मतलब माफिया का माफिया है वो, उसके अंदर बड़े बड़े माफिया काम करते हैं और वो मुझे कॉल करके कह रहा है। और ठीक है यार चलो, वैसे बातचीत वगैरह ही करने के पे पता चलेगा, मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है। सो चलो यार फटाफट से ना अब वहाँ पे लोकेशन उसने मुझे सेंड तो कर दिए, अब वहाँ पे जाके उससे मिलना होगा और चलो बातचीत वगैरह करते हैं। ऑल राइट यार गाइस फाइनली ना
हम लोग आ चुके हैं लोकेशन की ओर, बट उसने मुझे यहाँ पर लोकेशन सेंड की है भैंस की आँख, बट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कोई। भाई गलत रास्ते आ गए क्या? एक सेकंड लग रहा है मुझे ना ऊपर ही कहीं होगा। भाई हम लोग नीचे वाले रास्ते से आ गए भाई, पता नहीं यार ये जंगलों में बुलवाते रहते हैं भैंस की आँख। ठीक है यार गाइस, चलो चलो यार, ये लोग उतर के भी देख लिए क्या तुम लोग ऊपर ही क्या? ठीक है चलो यार, ये लोग कह रहे कि ऊपर ही है, बहुत बढ़िया। और चलो यार फटाफट से ना भाई चलते ऊपर। एंड ठीक है, ओह शिट यहाँ पर ही है। ओके गाइस यहाँ पर ही इसकी लोकेशन है, मैं नीचे चला गया था। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से ना उतरते हैं और इससे बातचीत वगैरह करते हैं। एंड पता नहीं गाइस ये क्या कह रहा है गोस्ट मास मुझे, और फटाफट से ना बातचीत वगैरह करेंगे। और चलो यार गाइस एक सेकंड, अभी सारी सिक्योरिटी को बोलता हूँ तुम लोग यहाँ पर ही रुको, मेरे साथ ना सिर्फ दो ही बंदे आ जाना, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे तो प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो सकती है, समझ रहे हो? सर ठीक है यार, चलो यहाँ पर ही क्या होना चाहिए पता नहीं है। इस एक सेकंड ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार तुम सारे जा नहीं सकते, वो तो मुझे भी पता है, सिर्फ दो ही ले जा रहा हूँ। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इसको हम लोग यार गाइस ठीक है इसकी सिक्योरिटी को ना भाई दिखा देंगे अपन लोग को ने भाई, ऐसा बस टाइम आने दो भाई, सबको ख़त्म कर देंगे। वैसे यहाँ पर मार सकता हूँ बट गाइस इसको मारना इतना मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो भाई? ये ऐसा वैसा वाला माफिया नहीं, अगर आप सोच रहे होंगे ये बहुत बड़ा वाला माफिया है, इसके अंदर बड़े बड़े लोग काम करते हैं, समझ रहे हो गाइस? मतलब ये डगन बॉस के लेवल का बंदा है, मतलब उससे भी ऊपर बोल सकते हो, मतलब क्या ही सीन है, ठीक है ना? सो लेट्स गो एंड लेट्स बातचीत करते हैं। और ये हैकर गर्ल जो अपनी गैंग लीडर की हैकर गर्ल है ना भाई, इसने तक धोखा दे दिया हमें भैंस की आग, मतलब ये मेरी हैकर गर्ल नहीं है, ये जो अपने रेड स्कल है ना। और एक सेकंड ये अपना मुँह क्यों छुपा रहा है? अरे गोस्ट मैन इधर तो देख ले, हाँ ये क्या सीन है, ये हैकर गर्ल देख रहे हो, इसने अपनी रेड स्कल जो गैंग लीडर है ना उसी के वजह से वो मरा है, मुझे तो लगता है इसी ने इसको धोखा दिया है एंड उसी के वजह से। अरे यार इधर तो देख लो, अरे चाचा क्या कर रहे हो, किसको क्या बोलूँ, चाचा बोलूँ माफिया बोलूँ, इसका गोश्त नाम है। एक सेकंड भैंस की आगे इसका मास्क आ गया, इसने फेस रिफिल कर दिया क्या भाई? ओह शिट, अरे भाई चिपका हुआ आम लग रहा है कसम से यार, क्या कह रहा है भाई, मास्क पहन यार कसम से ना भाई, माफिया वाली वाइब भी नहीं आ रही है गाइस, ये क्या सीन है पता नहीं भाई, मुझे तो हंसी आ रही है भाई। यार ये बंदा भाई ये कह रहा है कि देखो तुम माइकल हो एंड मुझे तुमसे कोई दुश्मनी वगैरह नहीं करनी है, और ट्रेवर ने भी तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे बहुत सारे दोस्तों ने तुम्हें धोखा दिया, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे टीम में आ जाओ, और बहुत सारे माफिया लोग ना मेरे टीम में आते हैं, तुम भी आ जाओ और हम लोग दुनिया पे राज करेंगे, लॉस सैंटोस वाई सिटी हर जगह अपना ही काम होगा। कह रहे कि पावर में आएंगे, पैसा इज्जत बहुत कुछ मिलेगा। तो यार मैं एक काम करता हूँ ना गाइस, भाई ये मुझे बहुत देर से मतलब हर बारी मुझे बोलता है टीम में आ जाओ। सो मैं आज एक काम करता हूँ, ठीक है यार मैं डील एक्सेप्ट करता हूँ, आज से मैं तेरे लिए काम करने वाला हूँ, ठीक है? तो मुझे चाहिए फुल पैसा और इज्जत। तो यार उसको मैंने बोल दिया, और मैं इसको कह रहा हूँ कि यार मुझे ना, मैं तेरे टीम में तो आ चुका हूँ बट मुझे एक तेरे से एक हेल्प चाहिए थी। एक काम करते हैं गाइस, मुझे ना बस ये जो हैकर गर्ल है ना, मुझे एक छोटा सा काम करना है, तो मुझे वो ले मतलब उसको मेरे साथ आने दो हैकर गर्ल। वैसे भी वो मुझे ना लग रहा है वो छोड़ ही देगा, पता नहीं गाइस क्या सोच रहा है वो, आई थिंक मुझे लग रहा है ना वो आ ही देगा, पता नहीं, मैंने उसे बोल तो दिया। अभी हैकर गर्ल को वो सेंड करेंगे कि नहीं पता नहीं, वो बातचीत वगैरह कर रहे हैं पता नहीं, अभी तो आई नहीं है गाइस। अभी तो मैंने उसकी टीम फ़िलहाल ज्वाइन कर ली है, मतलब समझ रहे हो गाइस, अपने साथ इतनी ज़्यादा धोखा किया है ना, तो हम भी धोखा कर सकते हैं, तो मैं भी इसकी टीम ज्वाइन कर लेता हूँ और आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ गाइस, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे चैट पे, अगर मेरी आप यहाँ तक वीडियो लिख रहे हो तो माइकल ओपी लिख देना, सो मेरे को समझ आएगा कि आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो लेट्स गो यार, अभी भी बातचीत ही कर रही है भैंस की आग, पता नहीं क्या समझा रहा है, ऐसे समझा रहा है जैसे उसकी वाइफ हो भैंस की आग, साला हैकर है और क्या ही सीन है, ठीक है लेट्स गो। मुझे नहीं पता आ रही है क्या, अरे आ जा भैंस की आग, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहा है, बहुत पैसा है गाइस इसके पास, बहुत पैसा, अगर इसको हमने मार के लूटा ना कसम से बता रहा हूँ इतने अमीर हो जाएंगे ना, क्या ही बोलूँ, मतलब इस बंदे ने खुद का एम्पायर खड़े कर दिया, मतलब इतने बड़े बड़े माफिया, एगल का छोटा भाई, और भाई GTA 3 का वो क्लाउड बंदा, और पता नहीं वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग, चलो आ चुकी है मैडम, आ जाओ मैडम, धोखेबाज मैडम आ जाओ,
बहुत बड़ा वाला धोखा दिया है अभी तो हम इसको पता नहीं, इसको लग रहा है कि मैं इसके टीम में ज्वाइन कर लिया हूँ, ऐसे आ रही जैसे देख रहे हो कार में बैठ रही है, एटीट्यूड ऐसे दिखा रही है जैसे पापा की ना परी हो। कोई बात नहीं, पापा की परी को भाई सारे के सारे पर काट देंगे। अब ना इसको दिखाता होगा इस, एक सेकेंड आप लोग मेरा बस जलवा देखते जाओ, ये लोग हमारे साथ धोखा कर सकते हैं ना तो हम लोग धोखा क्यों नहीं कर सकते, मतलब हम लोग क्या, मतलब क्या बोलेगा, दूध के दिलों थोड़ी हम लोग भी माफिया है भाई, समझ रहे हो, ऐसे पैसे वगैरह नहीं है भाई, हम लोग भी खतरनाक है। चलो यार फटाफट से बैठो एनएसजी वालों, अभी इसको लग रहा है मास वाले को कि मैं इसकी टीम ज्वाइन कर लिया हूँ, एंड उसको लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, मतलब हमारे सारे फ्रेंड ने धोखा वगैरह दे दिए, हैकर गर्ल एंड अपनी जो सिक्योरिटी है और ट्रेवर अपना बेस्ट फ्रेंड उसने भी धोखा दिया और उसको लग रहा है कि मैं ना हार चुका हूँ। बट भाई माइकल के अगर सपने भी छोड़ दिया ना, माइकल अगर अकेला भी बचा, अगर सारी सिक्योरिटी भी मेरे अपोज हो जाए ना भाई, सबको मारने का दम रखता है माइक, अगर आप एग्री करते हो तो चैट पे एग्री लिख देना। तो यार चलो अभी इसको मैं लेके जाता हूँ एंड उससे थोड़ी सी बातचीत वगैरह करेंगे, थोड़ा सा मतलब इसको ना भाई समझ रहे फ्रेंडली थोड़ा अटैक करेंगे, थोड़ी डर रही है एंड चलो इसको कह रहे कि थोड़ा वगैरह काम है ना, तो चलो यार अभी इसको डायरेक्ट मैं ले जाता हूँ उसको लोकेशन पे एंड फिर वहाँ पे आपको बताता हूँ क्या सीन है और गाइस क्या नहीं है। सो गाइस लेट्स गो टू द लोकेशन। All right, यार guys, finally ना हम लोग आ चुके हैं लोकेशन की ओर और guys मैं ले आया हूँ उसे अपने सीक्रेट बनकर की ओर। अब इसको लग रहा है डर, उसको नहीं पता ये कौन सी लोकेशन पे आ गए, मैं उसको बोल दिया कि ये हमारा बनकर है एंड मैं ना तुम्हें एज अ हैकर गर्ल थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, एक बंदे की लोकेशन वगैरह निकालनी है। ये कह रहे कि ठीक है मैं निकाल दूंगी, ठीक है यार गाइस निकाल ले दो उसको एंड हम भी अपना निकाल देंगे और उसे बता देंगे कि यार कौन सी लोकेशन निकालनी है। सो गाइस अब होने वाला है यहाँ पर बहुत बड़ा वाला प्रैंक। आ जाओ मैडम जी, आ जाओ मैडम जी, अभी भी गाड़ी में बैठे हो, दरवाज़ा खोलना है क्या आपके लिए? यार मैडम जी यार क्या हैकर गर्ल हो यार, कितना पैसा लोगे बता दो। चलो यार फटाफट से यार, रेड निंजा तू क्या कर रहा है? अच्छा सॉरी सॉरी, इसको मैं इधर आ गया। ये कह रहा है कि यार ये कैसा बनकर है यार, तुम चलो तो सही, तुमको मैं सारा मेरा सीक्रेट दिखा रहा हूँ। एंड ये कह रही कि भाई ये कैसा सीक्रेट बनकर है? भाई यही है हमारा सीक्रेट बनकर, उसे पता नहीं है गाइस अभी नहीं। अरे यार हर बारी गाइस माइकल गिर जाता है यार, जब भी माइकल बढ़िया तरीके से फाइट करता है ना भाई गिर ही जाता है, पता नहीं पिछले वाली वीडियो में भी गिर गया था, मतलब लड़ते लड़ते बेचारा गिर गया। भाई माइकल अब बुट्टा हो रहा है क्या, क्या लग रहा है आप? यार मुझे तो लग रहा है माइकल अब बुट्टा हो रहा है, मतलब कल भी फाइट करते करते बेचारे का पैर फिसल गया। और यहाँ पर गाइस मैंने ना अपनी हैकर गर्ल को भी कॉल कर दिया था, उसे बोल दिया था कि तू भी इधर आ जा। ये कह रही कि यहाँ पर तो ऑलरेडी हैकर गर्ल अवेलेबल है, हाँ तुम दोनों मिलकर करना है ना फिर, और क्या गाइस फिर दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अभी इसको लग रहा है डर, अब इसको मैं इधर ले आऊँ जेल में। और यहाँ पर टट्टी वगैरह भी पड़ी है छोटी सी। ये कह रहे कि ये कैसा हैकर है, देखो तुमको इधर करना है काम, ठीक है मैडम जी पीछे देखो बैस क्या। अरे 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 रेट नहीं, देखो क्यों मार रहे हो भाई? झगड़ा हो गया भाई, फाइट हो गई गाइस, बैस किया मारो साले को। अब हमारा प्लान ये है गाइस, इसको मार मार के ना भाई सबकी लोकेशन सिगरेट वगैरह सब कुछ निकालेंगे और गाइस हमारे सारे दुश्मन को पेलेंगे। पता नहीं इसको पता ही कि नहीं, मुझे नहीं लगता उसने उसको बताया होगा, बट फिर भी गाइस हम लोग भी धोखा दे सकते हैं ना भाई। सो लेट्स गो, साले को पिछवाड़े पे मारो भाई, इसको फुला दो भाई, मार मार इसको, बहुत बढ़िया गाइस मारने दो, मारने दो यार गाइस। मैं नहीं मार रहा हूँ उसे गाइस, क्योंकि आपको पता है माइकल कभी लेडीज पे पैर नहीं, मतलब हाथ नहीं उठाता है भाई, पैर उठाने में क्या जाता है, पैर उठा देंगे बैस किया, पैर उठाएंगे यार, पैर उठाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे बस पैर उठा देंगे। चलो मैं नहीं मारता हूँ भाई, साले को मारो और इसे सारी वगैरह लोकेशन वगैरह निकालते हैं, हाथ नहीं उठाएंगे बट ये देखो कैसी भाग रही है भाई, भाग रही है भाई, कहाँ जाएगी बैस क्या, तेरे बॉस ने मुझे ऐसे ही करंट दिया था। चल मारो मारो इसको, सारी लोकेशन वगैरह निकालेंगे गाइस, ठीक है ना। इससे भाई इसको पता नहीं, मुँह खोल भाई, इसको मुँह खोलने लगाओ प्लीज़, हैकर गर्ल अभी तेरे को मैं दे रहा हूँ, अभी ये इसका मुँह खुलवाएगी गाइस, ठीक है ना, एंड हमें सारी की इन्फॉर्मेशन बता देगी। अभी भी बोल ले रही है साले इतना मारो ना भाई, ये मुंह क्या भाई, सब कुछ खोल देंगी भाई, मारो साले को। यार रेडी जा तू भी मार दे थोड़ा सा यार, ये कह रहा है कि मैं नहीं मार सकता थोड़ी सॉरी। अच्छा यार कोई बात नहीं,
मत मार, तू मत मार, कोई बात नहीं, अपनी हैकर गर्ल है इधर, तो ये सब कुछ निपटा देगी। तो पता नहीं गाइस, चलो देखते हैं, अभी ये मुंह खोलती है, लग रहा है बेहोश वगैरह हो गई है, होश आने पे टाइम देखते हैं, पता नहीं गाइस क्या सीन है, होश आने दो इसको। ऑल राइट गाइस, इसे ना होश आ चुका है और इसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और ये कह रही है कि अभी पार्टी करने जा रहा है और मेरे पास भी उसका टिकट अवेलेबल है, मतलब VIP टिकट, तुम उससे डांस वगैरह भी कर सकते हो। एंड गाइस, उसने मुझे लोकेशन वगैरह दे दिया, साला ये मिस्टर के का बच्चे की लोकेशन इसने मुझे दी है। मैं उसे बोल रहा हूँ कि मुझे ट्रेवर की लोकेशन दे, तो मैं इसकी जान ले सकूँ, अपना बेस्ट फ्रेंड की जान ले सकूँ। साले ने मुझे दो बार धोखा दिया है, ये कह रहे कि मुझे ट्रेवर तो नहीं पता, बस मुझे के की लोकेशन पता है, वो अभी पार्टी करने जा रहा है, मतलब रात के टाइम पे उसका एक पार्टी का मतलब एक शो वगैरह है, पता नहीं जो भी है वो वहाँ पे आने वाला है। और गाइस मुझे भी ना उधर जाना है, उसने मुझे पास वगैरह दे दिया है। सो गाइस, अब होने वाला है टांडो, अब माइकल 2.0 आ चुका है, जितने भी हमारे दुश्मन है ना भाई, अब सबकी उल्टी गिनती शुरू। तो फटाफट से बैठ जाओ NSG, आज तुमको जलवा दिखाना है, अगर नहीं जलवा दिखा तो कोई बात नहीं, और इनको भी थोड़ी इज्जत देंगे गाइस, वरना मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी सारी सिक्योरिटी को इज्जत दे रहा हूँ, मतलब अपनी निंजा सिक्योरिटी का ज़्यादा इज्जत दे रहा हूँ। और गाइस, अपनी जो बिचारी सिक्योरिटी ना, मॉन्स्टर RSVPG और अपनी NSG और एक कौन सी सिक्योरिटी है अपनी, पता नहीं यार, मॉन्स्टर सिक्योरिटी है ना, चलो इतनी सिक्योरिटी है और भी है क्या, और इतनी सिक्योरिटी में उनको बुरा ना लगे, इसलिए मैं आज NSG को लेके आया हूँ, उसके बाद RSVPG, फिर मॉन्स्टर वालों को। और गाइस, अपने पास आई थिंक इतनी सिक्योरिटी है, और SPG जो KSPG है ना भाई, वो लोग तो अपने धोखा दे दिए। अब चलो फटाफट से अब बातचीत करते हैं और सालों की बैंड बजरा बजवाते हैं। अब लोकेशन दे दी, बट रात में जाना है गाइस, जब तक क्या करेंगे गाइस, लोकेशन मतलब वो पार्टी होने वाली है रात में, तो अभी तो रात, अभी तो गाइस बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, तो अभी क्या ही कर सकते गाइस, कोई बात नहीं, अभी रात का टाइम होने देते हैं, अभी थोड़ा वगैरह घूमते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, या आपको मैं डायरेक्ट कट ही कर देता हूँ, वरना गाइस डायरेक्ट टाइम पास हो जाएगा। सो चलो यार गाइस, अभी ना आपको डायरेक्ट मैं रात के 12 बजे मिलता हूँ। ऑलराइट यार गाइस, फाइनली ना 12 बज चुके हैं और हम लोग जहाँ पर पार्टी हो रही है ना भाई, बीच एरिया पे पार्टी कर रहे हैं ये लोग, मतलब ऐसे ग्राउंड वगैरह में, और यहाँ पर मुझे देखना है मैं इसको मारूंगा कैसे, मतलब पार्टी में घुस के उसके जो ड्रिंक वगैरह है ना उसमें मतलब जहर वगैरह मिलवा दूँ, क्या अगर चांस मिलता है तो उसको मतलब पीछे से घुसा दूँ। बट गाइस, वहाँ पर मुझे देख के रहना, वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह टाइट भी हो सकती है, सो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर ही वो कहीं पार्टी कर रहा है, तो यार एक काम करो LSG वालों, तुम लोग ना यहाँ पर ही रुको गाइस, क्योंकि मेरे पास एक ही टिकट है, एंड तुम लोग आ गए ना वो पहचान लेगा, मतलब कपड़े वगैरह तो वो तो तुमको तो अलाउ करने वाले तो है नहीं, तो गाइस इनको ना मैं यहाँ पर रह देता हूँ, ठीक है, एंड मुझे अकेला जाना होगा, अगर तुम लोग घुस गए तो फिर समझ जाओ गाइस, वो लोग पहचान लेंगे ना कि NSG वाले माइकल के बंद है। सो यार चलो फटाफट से गाइस चलते हैं, और भाई साहब देखते हैं कि वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, एक सेकंड, मैं इसकी आग में तो मास्क लगाना ही भूल गया भाई, वो लोग NSG वालों को पहचान लेंगे तो मुझे तो भी पहचान लेंगे ना, तो चलो फटाफट से मास्क पहनते हैं। ऑलराइट यार, मेरे मास्क पहन लिया है भाई, पार्टी वाला मास्क पहन लिया, मैं तो जा रहा था मतलब जैसे जा रहा है जैसे पार्टी करने जा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मास्क वगैरह मैंने पहन लिया है, मुझे लगा भाई इस, चलो यार भूल गया था। और ये बहस किया इतने रात के टाइम भाई, 12 बज रहे हैं रात के, सॉरी अब तो 12:30 हो गए होंगे, एंड कोई भी नहीं है यार, ये पार्टी वगैरह कर रहा है ये एरिया में, उसको भी पता है कि यार अगर ये जल्दी पार्टी करेगा तो माइकल इसको मार सकता है, अभी इसलिए बंदा रात में पार्टी कर रहा है मतलब मेरे से डर के। और बहस किया, ये देखो गाइस उसकी सिक्योरिटी, मतलब अपनी सिक्योरिटी थी पहले, ये अपने लिए काम करते थे, बट अपनी सिक्योरिटी ने अपने को धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, अरे पुलिस ऑफिसर क्या हो गया, अरे पास है मेरे पास, VIP पास है मेरे पास, तो डांस भी कर सकता हूँ मैं, चलो देख लो फटाफट से यार क्या सर जी, वो कह रहा है कि यार ये पुलिस वाला है गाइस, चलो कोई बात नहीं, बेचारा आप क्या ही करे, वो अपना काम कर रहा है। और यहाँ पे लोग नाच रहे, गा रहे हैं और दारू पी रहे, पार्टी कर रहे, लड़कियाँ इधर नाच रहे, और ये कौन है भाई, और सेकंड, ठीक है यहाँ पर मेरे को के नज़र नहीं आ रहा है भैंस की, यार लगता है पार्टी करके चला गया क्या, एंड एक सेकंड, ये देखो ये नमूना का भाई, जिसको अपने को मारना है, जिसने हमें धोखा दिया, मतलब इतने सालों से अपने साथ रह रहा है,
एंड इसको मैंने गाड़ी गिफ्ट की, पता नहीं क्या क्या गिफ्ट किया, और भाई साहब और ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, और यहाँ पे शूटिंग वगैरह चल रही है और सिक्योरिटी में टाइट है। ऑल राइट, मेरे पास, मैं भी ऊपर जाता हूँ एंड मेरे को चांस मिलता है तो मैं इसको यहाँ पर ही मार दूंगा। सो चलो ऐसे, यहाँ पर स्टेज चढ़ने का जगह तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, लग रहा है मैं गलत स्टेज पे आ गया हूँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं यार, ये छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, और ये देखो उसकी सिक्योरिटी, मतलब ये अपनी सिक्योरिटी थी पहले बट अब ये धोखा दे दिया, और पुलिस भी है। और ये देखो गाइस, मैंने मास्क पहना इसलिए पहचान नहीं पा रहा। ये देखो मैडम दूर से शूटिंग कर रही है, और गाइस इसको मार दूँ क्या पीछे से? मार दूँ क्या? अगर मैं मारूँगा तो अगर मुझे ये लोग पहचान देंगे ना, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे मारूँगा। सो गाइस यहाँ पे पुलिस वगैरह भी खड़ी है और जनता भी खड़ी है, तो मैं थोड़ा सा डांस कर लेता हूँ एंड इनको भी लगे कि मैं ऐसे डांस, मतलब वीआईपी मेंबर हूँ, मतलब ऐसे ही डांस वगैरह कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको मारूँगा तो गाइस मेरा नाम ख़राब हो सकता है, मतलब आपको पता है मैं मतलब लॉस सैंटोस में ना अपना कितना नाम है, और समझ ही सकते हो गाइस। और मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम ख़राब हो, मतलब मैं लोग बोलेंगे यार लॉस सैंटोस में ना माइकल ने अटैक कर दिया एक बढ़िया सी पार्टी में, और जो कि अटैक मैं नहीं चाहता कि मैं, मतलब इलेक्शन भी आ रहे हैं तो समझ रहे हो गाइस। चलो थोड़ा मोटा डांस कर लेते हैं, और ये मैडम भी ज़्यादा ही डांस कर रहे हैं, क्या हो गया मैडम जी? चलो कोई बात नहीं गाइस, एक इसके मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी में बॉम्ब लगा दूँ क्या? गाड़ी में बॉम्ब लगा दूँ या ड्रिंक में ना थोड़ा सा जहर वगैरह मिलवा सकता हूँ? कोई बात नहीं यार, थोड़ा मोटा डांस तो मेरे से हो गया, जितना आता है उतना तो हमने कर लिया है। और एक सेकंड, यहाँ पे उसकी कार वगैरह है, सिक्योरिटी वगैरह है, बॉम्ब वगैरह लगा दूँ क्या गाइस? चलो यार एक काम करता हूँ, एक स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ एंड फिर काम ख़त्म। वैसे ये बुलेट प्रूफ है यार, बुलेट प्रूफ कार है इसकी। ठीक है यार, इसकी सिक्योरिटी वगैरह फुल खड़ी, और रात के टाइम तो उसकी गाड़ी दिख भी दे रही है यार, पूरी ब्लैक कार है यार। ये देखो कैसे देख रहा है, पहचान लिया क्या भाई? क्या देख रहा है? अरे मैं तो देख रहा हूँ यार, मैं तो फैन हूँ यार सर जी, अब इसको बोल भी नहीं सकता, मेरी आवाज़ भी पहचान लिया तू। अरे मैं देख रहा हूँ यार, मुझे फ़ोटो लेना, मैं बिग फैन हूँ इसका यार, लैम्बोर्गिनी जैसे यार, मैं बिग फैन हूँ भाई। ये देखो ये भी आ गया, छोड़ो यार छोड़ो भाई, बॉम्ब लगाना छोड़ो, ये तो भाई ऐसा देख रहे हैं ना जैसे मेरे को भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। अरे देख रहा हो यार, मुझे भी खरीद दी ऐसी वाली कार। चलो यार छोड़ो यार, कैसी ये पुलिस वाला भी यहाँ पे देख रहा है भैंस की यार। चलो कोई बात नहीं भाई, बॉम्ब वगैरह लगवा नहीं सकते हम लोग अब यार। चलो यार अब क्या ही कर यार भाई, अब दुश्मन अपने सामने है एंड अपना धोखेबाज अपने सामने, अब उसको मारेंगे कैसे यार? मतलब यहाँ पे अपनी इज्जत भी तो प्यारी है ना गाइस, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, चलो चलो। अरे मैडम क्या हो गया, झुक क्यों रहे हो? अच्छा अच्छा व्यायाम कर रहे हो, ठीक ठीक करने दो करने दो, हाँ इतने रात में व्यायाम कर रहे हैं मैं। और ये देखो भैंस के आगे थक के ना यहाँ पे बैठ के आएगा इस यार के। ठीक है बैठ जा बेटे, बैठ जा तू, आराम से काम कर ले। और गाइस वहाँ पर देख रहे हो डांस वगैरह देख रहा है यार, अब क्या ही करेंगे, मुझे थोड़ा सा वेट ही करना होगा, और सही समय आने तो मार दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तू डांस वगैरह देख, और थोड़ा सा मैं भी डांस। एक सेकंड, ये हाथी कौन नाच रहा है भाई? बॉय गाइस ये कौन सी पार्टी हो रही है, वीआईपी कौन से एंगल से नज़र आ रहा है यार? कोई बात नहीं गाइस, यार मेरे पास यार कोई चांस वगैरह नहीं है अब इसको यहाँ पे तो मार नहीं सकते यार। यार मैं अगर मैं अभी तरफ बॉम्ब वगैरह लगवा सकता हूँ, बट वहाँ पर ना जो इनोसेंट सिविलियंस है ना भाई, उनकी भी जान जा सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि यार वो लोग भी मरे भाई। मैं सबको मार सकता हूँ पर मतलब समझ रहे हो, एक बॉम्ब लगा के सब लोग मर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि यार अपनी देश की लॉस सैंटोस की जनता मरे अपनी दुश्मनी जिससे है ना उससे। यार चलो फटाफट से बैठ जाओ, एक काम करते हैं उसका वेट करते हैं जब वो बाहर निकलेगा ना, और थोड़ा वेट करना होगा गाइस, समझ रहे हो? मतलब पब्लिक में ऐसा फाइट वगैरह नहीं कर सकते, अपने को अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो वोटिंग भी चाहिए, तो यही रीज़न की वजह से ना मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ। मास्क वगैरह तो वैसे पहना है, बट बाई चांस पकड़ लिया किसी ने एंड मास्क वगैरह निकल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करते हैं, उसको ना पार्टी करने दो जैसे वो बाहर निकलेगा, एंड वैसे हम लोग उस पर टूट पड़ेंगे। तो यार सब लोग को मैं रेडी वगैरह कर देता हूँ, और वहाँ पे अभी भी पार्टी वगैरह चल रही है भाई साहब। वैसे लग रहा है ना उसने डांस वगैरह सब कुछ कर लिया, अभी वो खाना खाने के बाद ही ना निकलने वाला। सो यार चलो वेट वगैरह ही करते हैं, और फिर आपको वहाँ पर मिलता हूँ। ऑल राइट यार गाइस, टाइम वगैरह हो चुका है एंड वो लोग निकल चुके हैं पार्किंग से। सो यार चलो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, चलो फटाफट से चेस करना होगा
एंड गाइस कैरी का अटैक वटैक कर देंगे, मतलब समझ लो अब अपने पास खतरनाक वाली कार है, मतलब स्पीड तो कम है बट गाइस हम लोग कार से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। पिछली बार हम लोग उसको चेस किया था बट प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोग एक्सीडेंट के वजह से ना कार के फायर में गिर गए थे, बट ये कार बहुत पावरफुल है एंड इस बार हमारी सारी सिक्योरिटी भी अवेलेबल है। सो गाइस लेट्स गो, अब आज गेम ओवर है। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट में लिख देना पार्टी ओपी, तो मेरे को समझ आएगा आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। सो चलो यार इसके बॉडी गार्ड वगैरह की कार है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी है और बैठ आउटेट वो आगे जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, टेंशन मत लो गाइस, टेंशन बिल्कुल भी लो, उसका नंबर आपको लग रहा है ये आज भी बच जाएगा, बट हम लोग ने ना जो हैकर गर्ल को किडनैप किया ना उससे उसका नंबर एंड फ़ोन वगैरह सब कुछ जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया और जो अपने रियल वाली हैकर गर्ल है उसको दे दिए, तो वो मुझे भाई लोकेशन सेंड करते रहेंगे, वो लोग जहाँ भी जाएंगे मैं उनको पकड़ लूँगा। तो गाइस समझ रहे हो आप, मतलब ये बंदा अगर कहीं भी चला जाए तो मैं इसको आराम से ढूंढ सकता हूँ, मतलब ये कहीं भी चले जाए, ये दुनिया के टुकड़े से वहाँ तक चले जाए ना तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, बस वो उसी का फ़ोन उसी के हाथ में होना चाहिए। तो डरने वाली कोई बात नहीं, आपको लग रहा है ये भाग जाएगा बट ये भागो तो छोड़ बट सॉरी मतलब सात समुद्र भी पार कर दिया ना तो साला मैं इसको मार सकता हूँ। सो चलो लेट्स गो गाइस फटाफट से गाइस, ऑल राइट गाइस यहाँ पे ना ये भैंस क्या कर चुका है, इसको लग रहा है इसको पता चल चुका है, और एक सेकंड ये क्या हो रहा है, भैंस क्या रुक रहा है आगे जा रहा है, कोई बात नहीं गाइस, लग रहा है ना यहाँ पे कुछ ग्लिच वगैरह हो गया है, लेट्स गो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भैंस क्या इसको पता चल गया है। एंड ये देख रहा हूँ भाई बुलेट प्रूफ है, भाई बुलेट प्रूफ है इसलिए बंदा रुक चुका है, कोई बात नहीं बेटा रुक जा बस हमको सही समय आने दे, भाई कोई बात नहीं इसको लग रहा है कुछ नहीं कर पाएंगे, भाई हंस रहा है लग रहा है मेरे को, ये देख रहे हो मेरे पास आ रहा है, इसको पता है मैं जैसे उतरूंगा ये साला भाग जाए, तो मैं ये वाली गलती करने वाला नहीं हूँ, पिछली बार ऐसे ही किया था हम लोग ने, आपको याद है मैं जैसे उतरा वो साला स्पीड पड़ा कि ना भाग गया था, बट अब की टेंशन मत ले, अब साले तेरे कार को मैं छोड़ के रहूँगा एंड तू जहाँ जाना चाहता चला जा, अब मैं तेरे जंगों में आने वाला तो वो नहीं। सो लेट्स गो गाइस इसका फॉलो वगैरह करते हैं एंड इसकी बैंड बजाते हैं, लेट्स गो भी जहाँ जाना है जाने दो, और ये साला इसका सिक्योरिटी वगैरह इसको भी ज़्यादा ही चमचम बन रहे बीच में, कोई बात नहीं इनको जहाँ जाने दो जाने दो गाइस, ठीक है ना, अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मुझे हैकर गर्ल सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही है, बेटा जहाँ जाना है चला जा, एक सेकंड नीचे गया ना वो, राइट नीचे ही गया, लेट्स गो एंड फिनिश करते सालों को, बस गाइस बस आज ना इसका गेम ओवर है, वरना इसकी अगर ट्रेवर होता ना तो यार मज़ा आता, बट कोई बात नहीं ट्रेवर पार्टी में नहीं आया, वो भी आई थिंक आने वाला था बट वो अभी आई थिंक पता नहीं गाइस कहाँ पर है, लेट्स गो बहस किया कि सारे देख रहे हो यार, ये कार की स्पीड है जो अपनी गाड़ी है ना यार इसकी स्पीड थोड़ी कम है बट अच्छी बात है, स्पीड कम है ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये वजनदार कार है तो हम लोग इनकी पूरी कार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये रीज़न की वजह से मैंने कार नहीं देखी, एक टक्कर मारी एंड मेरी भी गाड़ी नीचे, अरे भाई तुम लोग नीचे गिर गए यार, ये लोग भी नीचे गिर गए यार, फैस किया मैं अकेला हो गया फिर से यार, कोई बात नहीं टक्कर हो गया तो अब क्या ही करें, कोई बात नहीं एक सेकंड टाइस, वैसे भी इसकी कार खटारा हो चुकी है, इतनी गंदी वाली टक्कर मारी ना सारे टायर पंक्चर हो गए, ये देखो इसीलिए मैंने ये वाली कार चूज की, देखो एक इतना बड़ा वाला लोड दिया ना साला, देख रहे हो पूरी गाड़ी इसकी स्लीप मार गई, तो इसीलिए मैंने ये वाली कार ना चूज की थी, आपको लग रहा है मैं फास्ट कार चूज करता, ये देखो ये कार का हाल देखो आप भाई, ख़त्म है बेटा तेरी कार तो ख़त्म है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है बेटा, तुम जितनी जान बचा रहे ना बचा, बाय बाय बेटा बाय बाय बोलो बा, चलो गेम ओवर है, साला तुम लोग मेरे को धोखा वगैरह देते हो भाई, इसमें के नहीं है ठीक है ना, के जो है वो बुलेट प्रूफ कार में, बेटा भाग जाओ कुछ नहीं होने वाला, अब तुम्हारा बाप आ चुका है माइकल 2.0 आ चुका है, लेट्स गो गाइस ये तो गए, अब अपनी मेन बारी है, उसकी लोकेशन वगैरह भी मेरे पास है अवेलेबल, टेंशन मत लो, आपको लग रहा है वो आगे चले हुए होंगे, भाई जहाँ जाना है जाने दो साले को, जिधर जाना है जाने दो भाई, उसको पकड़ लेंगे, पूरी रात पड़ी है भाई, सुबह तक होने दो, पूरा सुबह भी हो जाए तो मैं उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं और उसका गेम ओवर करने वाला, आज कुछ भी हो जाए कितनी भी घंटे की वीडियो बन जाए मैं उसको आज गेम ओवर करके रहूँगा, और आप लोग लाइक ज़रूर करना 1000 लाइक ज़रूर करना फटाफट से ज़रूर कर देना, और भाई साहब आप लोग पूरा लाइक एम कंप्लीट नहीं कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी से कर देना। सो लेट्स गो गाइस एंड उसकी लोकेशन वगैरह फाइंड करते हैं, और मेरे को उसकी लोकेशन वो बता रही है, हैकर गर्ल बता रही कि यहाँ पर ही कहीं होना चाहिए, एक सेकंड मुझे तो लोकेशन यहाँ की दी है उसने, हैकर गर्ल ने मुझे भी लोकेशन सेंड की है,
लग रहा है कहीं छुप के बैठा है। वो देखो इंडिकेटर चलाया साले 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 इंडिकेटर चला रहा है, हिंदी गया मेरे को भाई, छुप के बैठा इधर। इसको लगा मैं सीधा स्ट्रेट जाऊंगा और वो लोग ना लॉस मतलब लॉस सेंटर उसके अंदर चला जाएगा फिर से। और मास्क पहन के लेगा भाई, मास्क पहन को बुला, किसको बुला, मास्क पहन तो इतने रात में तो भाई खराटे ले गया सो रहा होगा, कोई बात नहीं गाइस, अब इसको बचाने वाले कोई नहीं आने वाला है। इतनी रात हो चुकी है, अब तो भाई काला कौवा तक इधर आने वाला है। बेटा रुक गया तू भाई, इसकी लग रहा है कार में खराबी हो चुकी है भाई, मैंने टक्कर मारी थी ना, मैंने आपको बोला था ये कार बहुत पावरफुल है, एंड जैसे किसी को टक्कर मारती है ना भाई, मानसिक संतुलन हिल जाता है कार। कोई बात नहीं बेटा, तू टक्कर मार ले कर भाई, गेम ओवर है तेरा, बस रुक जाओ भाई। इसको ना एक सेकंड पे किया कि इसको हम उतरेंगे तो ये पता है मुझे, ये डायरेक्ट गियर वगैरह ले जाकर भाग जाए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अटक गई क्या मेरी कार, अटक गई यार, शिट गाइस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और शिट यार गाइस फिर से वो निकल गया, कोई बात नहीं, इसको पकड़ लेंगे, चेस हो जाएगा। इसकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इसकी कार बार बार रुक रही है। ओ शिट, देखो गाइस मैं इसीलिए उतर नहीं रहा था, समझ रहे हो, मैं जैसे उतरता वो स्पीड बढ़ा देगा गाइस, समझ रहे हो, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो मुझे उसके कार को डैमेज करना है, क्योंकि बुलेट प्रूफ कार है यार, वैसा कुछ कर ही नहीं सकते। ये देख रहे हो, उसको भी पता है कि बुलेट प्रूफ कार है, कुछ होने वाला तो है नहीं, तो वो लोग इसीलिए गाड़ी रुका रहा है। पता नहीं उसकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है क्या आ गई है, आई थिंक प्रॉब्लम ये हटक से रुका रहा है, बट कोई बात नहीं, उसकी गाड़ी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दी। ऑल राइट गाइस, मतलब इतना डैमेज करेंगे ना, उसकी गाड़ी चलने लायक नहीं होने वाली। देखो कैसे रुक रही है, ये खुद से कर रहा है या इंटेंशन से कर रहा है मुझे नहीं पता, बट लेट्स गो, लेट्स एंड हिम गाइस। ऑल राइट, अभी देखो उतरा मैं, उतरा भैंस क्या करो, रुक रुक, देखो देखो भाग रहा है, देखो गाइस कैसे भाग रहा है भैंस क्या, मैं बोला दरवाज़ा खोल दूंगा बट भाई भाग रहा है, इसीलिए मैं उतर नहीं रहा हूँ यार, वरना तुम बोलोगे यार फटाफट से उतर के मार दूँ भाई, ये रीज़न है उसको मैं मार नहीं पा रहा हूँ, समझ, थोड़ा वेट करो गाइस, बुलेट प्रूफ है और भाई सब अच्छा खासा ड्राइवर है वो, एंड चलो यार गाइस कोई बात नहीं, लेट्स गो। बेटा रुक जा बस, पूरी रात के अभी दो बज चुके हैं साला, अब सुबह भी हो सकती है कभी भी, कोई बात नहीं, रात के अभी पता नहीं गाइस 2 या 3 ही बज रहे होंगे। हाँ, इसकी कार को इतना डैमेज करना है कि इसकी कार चल ही ना सके, समझ रहे, इतना डैमेज कर रहा है ना उसकी कार, आपको पूरी डैमेज ही कर देंगे। कोई बात नहीं, ये देखो मेरी कार का क्या सीन हो गया, लेट्स गो, आज तो इसकी मौत पक्की है यार। बहस किया गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको पकड़ लेंगे। हाँ, इसकी सारी की सारी लोकेशन मुझे मिलती रहूँगी यार गाइस, कोई बात नहीं यार, ये बंदा भाई ज़्यादा ही भाग रहा है, कोई बात नहीं, जिधर भागना है ना भाई भाग जा बेटे, भाई सुबह तक होने दे भाई, तेरे तो सुबह तक होने तक मारूंगा भाई, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई, फुल पेट्रोल वगैरह सब कुछ अपनी गाड़ी में भाई, इसका पेट्रोल भी ख़त्म होगा ना भाई, ये बंदा कब तक अपनी गाड़ी चलवाएगा, समझ रही, एक तो इसकी गाड़ी में डैमेज करूँगा या एक तो ना इसकी जो कार है वो पेट्रोल से रुक जाएगी, समझ रहे, तो मेरा यही प्लान है, ये बंदा मैं जैसे उतरूंगा तो ये भाग जाएगा, ना इसको हम गोली से मार सकते हैं ना मिसाइल से गाइस, ये सारा प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें वेट करना है और उसका फॉलो करना है, ये जहाँ भी जाता है ना जाने दो, अभी तो यार टाइम बढ़ते जा रहा है, देख रहा सुबह हो रही है भाई, सुबह हो रही है यार, इसका पेट्रोल कब ख़त्म होने वाला है मुझे नहीं पता है, इसकी गाड़ी कितने डैमेज करना है भाई, डैमेज करते रह रहे हैं एंड फायर करते रह रहे हैं, क्या पता कुछ भी हो जाए। और ये देखो निशान तो आ रही है, देखो ये भैंस या ये देखो इसका टम्पर तोड़ दिया गाड़ी, अब बेटा अब पूरी गाड़ी उड़ने का टाइम आ चुका है, एक सेकंड कहाँ जा रहा है, अरे 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 कोई बात नहीं, वो उधर जाने वाला तो है नहीं क्योंकि अपनी सिक्योरिटी रेडी है, फिर वहाँ अगर वो पीछे जाएगा तो मरेगा भाई, पीछे जाएगा तो भाई रेडी रखो, मैंने सारे पहले बोल दिए, देखो भाई आ गई कोई, अरे यार अपनी गाड़ी में ये क्या सीन है, कोई बात नहीं बेटा, जहाँ जाना है चला जाओ, पकड़ लेंगे आराम से ना, पकड़ लेंगे भाई, जितना भागना है भगा ले, मेरा यही प्लान है कि उसको इतना भगाओ कि उसका पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए एंड वो बंदा खुद चल के ना मेरे पास आ जाए, और लेट्स गो। और राइट गाइस, यहाँ पर ना भाई साहब और भी दूर आ चुके हैं हम लोग, और अभी भी साले का पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना टक्कर मार रहा हूँ एंड इतना मार रहा हूँ, डैमेज वगैरह दे रहा हूँ उसके बुलेट प्रूफ का, जो सामने का वो है ना डंपर, पता नहीं भाई वो भी भाई निकल चुका है, ये देखो भाई फुल डैमेज दे रहा हूँ इतनी खतरनाक वाली अपनी कार से ना, लेट्स गो भाई, जहाँ भागने आप भाग जा बेटे, जितना भागने आप भाग जा, अभी इसका पता नहीं ड्राइवर चला रहा है कौन चला रहा है मुझे कुछ नहीं पता, पता नहीं यार इसमें के है कि नहीं भाई, के तो होना ही चाहिए भाई, वरना प्रैंक हो जाएगा मेरे साथ, कोई बात नहीं के तो उसी में मुझे मैंने देख लिया था, लेट्स गो। ओ शिट, क्या कट मारा है,
अरे यार कसम से यार, उसकी कार जो है ना भाई, उसके ऊपर चढ़ जा रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ से टक्कर देनी होगी। आराम से आराम से आराम से। अब रुको, नहीं अब नहीं उतरना है। एक सेकंड, डैमेज तो हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी गाड़ी भाई। क्या हो गया, गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। कोई बात नहीं गाइस, मैं उतरूंगा तो ये भाग जाएगा, मुझे पता है। तो इसलिए गाइस मेरे को उतरना नहीं है, एंड बस वेट करना, ये खुद उतरेगा भाई। क्योंकि अब तो भाई रात के 12 बजे से वो गाड़ी चला रहा है, पता नहीं अभी तो दिन सूरज भी निकल गया है, पता नहीं सुबह के 4 या 5 बज रहे हैं। लेट्स गो। ओ शिट, ये खटारा कार पता नहीं किसके आगे बीच में। अभी तो भाई कार अभी शुरू हो गए, अभी तो रात के टाइम तो कार नहीं रहे थे। अब तो भाई यो भाई, उस बंदे ने क्या स्टंट मारा। अब तो यार देखो, सिटी के अंदर ना कार भी शुरू हो गए चलना, अब तो भाई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, एंड यार अब तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई बात नहीं, ये देखो ये सारे बीच में कार आने वाले हैं। तो सुबह हो गई है, निकल गए ये लोग भी। चलो बेटा 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 साइड में आओ, बेटा रुक। भैंस क्या कर, उतर ही नहीं रहा ये तो। अब तो गया बेटे। ओ गाइस, अरे यार कार पलटा दी थी यार, कसम से यार। अरे मेरे उस पीछे मत जाओ यार, तुम मेरे को प्रोटेक्शन मत दो यार, तुम उसको जाके मारो यार। ये सिक्योरिटी भी ऐसी है ना अपनी, मतलब वो मेरी जान बचा रही है, वो कह रहे कि यार वो खतरनाक बनता है यार। कोई बात नहीं, मैं मर गया तो चलता हूँ, बट उसको मार के दम दे रहे। ऑल राइट। भाई यहाँ पे ट्रैफिक हो चुका है भाई। अब ना मेरे को कुछ चांस देना, आई थी उसकी गाड़ी बहुत डैमेज हो चुकी, तो फटाफट से मैं आरपीच निकल के ट्राई करता हूँ एक बार। अरे भैंस क्या, अरे यार ये कार बीच में आ गई क्या यार, मेरी किस्मत देखा आप लोगों ने भाई, मिसाइल बराबर लॉन्च किया एंड तीसरी कार बीच में आ गई। शेट यार भाई, क्या था ये, व्हाट द हेक भाई। एक सेकंड, उसकी कार रुक चुकी है। ओह शेट, उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, उसकी कार रुक चुकी है। वो देखो इसको देखो, लग रहा है मैंने मिसाइल छोड़ा ना आई थिंक। अरे भाई तुम मेरे को मार दो, अरे जी वालों मार दो मेरे को। तो मैं उसकी कार रुक चुकी, उधर देखो साइड में देखो भाई उसकी। ओ एक सेकंड, बंदे आ गए उसके। एक सेकंड अपनी। अरे यार क्या डब्ल्यूटीएफ हो रहा है, कसम से मेरे को ठोके, पूरा रास्ता छोड़ गया, मैं इधर साइड में खड़ा हूँ। अरे बेटा तेरी भैंस की आँख क्या कर रहे तीसरी बार भाई। ये देखो उसके बंदे आ गए क्या, कोई बात नहीं। अरे मारो, भागना नहीं चाहिए भैंस का भाई साहब। कोई बात नहीं भाई, पहलेंगे भाई, दबा के पहलेंगे भाई। इसके बंदे आ चुके हैं इसको बचाने के लिए भाई, सुबह ना। अभी 6 बज रहे हैं आई थिंक गाइस, 6 बज गए। और गाइस ठीक है। अरे यार उसकी कार रुक गई थी, एक सेकंड में वहाँ पे जाके देखता, तुम लोग फाइट करो भाई, इनको फाइट करने दे। और मैं फटाफट से ना, और लग रहा है इसकी कार ना भाई सब रुक चुकी है। यस गाइस, इसकी कार में केक आ गया भाई, केक आ गया मुझे। एक सेकंड दिख नहीं रहा यार, केक आ गया। एक सेकंड, ड्राइवर है क्या इसकी भैंस क्या, चल बाहर निकल। केक आ गया, जल्दी से बता भैंस की आग, जल्दी से बता भाई। ये तो जो ये तो वो कर रहा है, नहीं बताएगा भाई, नहीं भी वो कह रहा कि मुझे नहीं पता। भाई तुझे नहीं पता साले, इतना देर से तेरा पीछा कर रहा हूँ, तुझे नहीं पता भैंस की आग। वो कह रहा है कि पीछे जाके देखो, वो उधर ही गए भागा है पीछे के रास्ते से। अच्छा पीछे के रास्ते से भागा है, तो चल फिर तू भी ले ले साला, जितना टाइम लगा भाग भी गया होगा। कोई बात नहीं, जहाँ भागना है भागने दो साला, के पास फ़ोन तो होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। जब तक उसके हाथ में फ़ोन है ना, उसकी लोकेशन हमारे हाथों में गाइस, तो वो कहाँ भी चले जाए, जिधर जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये एक सेकंड, ये कार किसकी है, एक सेकंड, वो सामने की है क्या। यस वो कार ही है, वो के ही है। ओ शिट भाई बच गया, ओ शिट यस, फाइनली गाइस, फाइनली गाइस, लग रहा है अब मैं इसको मार ही दूंगा भाई। मुझे पता था ये कमज़ोर है भाई, मुझे पता था ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होगा। इसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, इसको एक दिन पे नहीं हुआ ज्वाइन करके, और ये बेचारा एक दिन पहले ही मरने वाला है भाई। उसको क्या बता गाइस, अब ना इसका टाइम आ चुका है। बेटा तूने मेरे को धोखा दे के ना बहुत गंदा वाला काम। अरे ये कैसे इतनी जल्दी नीचे चला गया। अरे मैं फिसल गया यार, माइकल के पैर में कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है यार, वो हमेशा गिर जाता है यार। पता नहीं यार माइकल का क्या सीन है यार, गिर जाता है। बेटा कहाँ जाएगा, तुझे तो पानी से डर लगता है क्या। एक सेकंड, ये पानी से बाहर आ रहा है, इसकी फट रही है भाई, इसको तैरना नहीं आता है। चल बेटा रुक साले, हमको धोखा देगा मतलब हम। ओ गन निकाल रहा, मार बेटा भाई। मैंने भी बुलेट प्रूफ पहना है जैसे तूने पहना है, जिसने भी वेस्ट पहनी अपने भी अंदर से वेस्ट पहनी। मार बेटा मार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल निकल साले, खोपड़ी के
हमें धोखा देगा मतलब सबसे पहली वाली सिक्योरिटी मैंने ये वाली बाइक की थी, आपको याद ही होगा। एंड ये कह रहा है कि मैं इसे इज्जत नहीं देता हूँ एंड भाई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ एंड वगैरह वगैरह, इसलिए मैं इसको धोखा दे रहा हूँ एंड पैसे देता नहीं हूँ। भाई साहब बहुत मारने वाला साले ने, वेस्ट पेन ही खतरनाक वाली, कुछ हो नहीं रहा इसे भाई, वेस्ट पेन ही है इसने, बहुत पावरफुल वेस्ट है भाई साहब, मतलब बुलेट प्रूफ कार लेके घूम रहा है, वेस्ट भी पहन रहा है, देख रहा कितना मार रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है साले। कोई बात नहीं, बट तेरे को तड़पा के तो मारना ही है, और मेरे जो पैसा वगैरह है ना साले वो बता कहाँ पर है, जल्दी से बता साले पैसा कहाँ पर मेरा, तूने जो मेरा गोल्ड वगैरह चुरवाया था ना गाइस, मतलब सॉरी गोल्ड नहीं, इसने मेरा पैसे चुराए थे, आपको याद होंगे मेरा जो पैसा चोरी हुआ था ना, आपको याद है हेलीकॉप्टर से जो आया था भाई, ये वही बंदा उसी ने चोरी किया था, फिर जल्दी से बता साले, धोखा करता पीछे से। और ये देखो भाई पूरा खंजर अपना लाल हो चुका है और अभी भी मर नहीं रहा है क्या ये, ओ शिट अभी जिंदा है, मुझे लगा मर गया होगा, ओ शिट इसको साले को तैरना नहीं आता है, क्या बुद्धू इंसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका टाइम आ चुका है भाई, इसके पास ना आर्मी है ना कुछ है, सिर्फ 100 सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम रहा है, ना पैसा है, उसको लग रहा है ये मास मैन के साथ रहेगा तो पैसा हो जाएगा, बट उसका टाइम आने से पहले इसका गेम ख़त्म कर दिया गया, मतलब मोए मोए हो गया। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पर लिख देना मोए मोए गाइस, क्योंकि इस बंदे का बहुत गंदा वाला मोए मोए हो गया, मतलब एक दिन नहीं हुआ इसका ज्वाइन करके और इसको लग रहा है पावर गिवर इसके हाथ में आ जाएगी। चलो इसको गेम ओवर करते गाइस, ये कहाँ तक भागेगा बेटा, जा भागना है भाग जा। चल सो फाइनली यार गाइस, फाइनली 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 द के का गेम ओवर गाइस, फाइनली ना भाई मिस्टर के को हमने मार ही दिया है, मतलब इसने हमें धोखा दिया, मतलब ये बंदा बहुत दिन से हमें धोखा दे रहा था बट इसने फेस रिवील बाद में ही किया, मतलब ये कब से हमें धोखा दे रहा था पता नहीं, बट चलो यार फाइनली इसका गेम ओवर हो चुका है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पर लिख देना के एंड, लिख देना मतलब के एंड, समझ तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देखे हो। और गाइस मतलब क्या ही बोले, तो अभी फटाफट से ना मैं इसकी बॉडी ले जाता हूँ, अभी एनएसजी वालों को कॉल कर दिया, वो लोग आते होंगे एंड फटाफट से इसकी बॉडी वगैरह लेके ना इसके ले जाएंगे और सबको बताएंगे धोखेबाज का क्या सीन होता है। तो यार चलो फटाफट से इसको थोड़ा सा और मारता हूँ एंड अपनी थोड़ा सा ना धोखे पास है भाई, मैंने सोचा नहीं था ये मेरे को धोखा देगा, मतलब पहले हम खतरनाक वाले अच्छे वाले फ्रेंड थे यार, अब क्या ही बोले यार गाइस, मतलब ऑल राइट यार गाइस, हमारे एनएससी के बंदे आ चुके हैं और गाइस मैंने इनको भाई यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, ये लोग मेरे को ले जाने के लिए आ चुके हैं यार, अब क्या ही बोलूँ यार, मतलब अपना ही फ्रेंड है, अब अच्छा भी लगता नहीं इसको मारने के लिए, बट यार गाइस जो धोखा देता है ना, अब क्या कर सकते हैं, मतलब फ्रेंड अच्छा था, अब दुश्मनों से मिल गया पैसों के लिए और वगैरह वगैरह। तो मैंने एनएसजी वालों को बोल दिया है कि इसकी बॉडी वगैरह ट्रक में लोड कर दो और अपने जो सीक्रेट बन कर है वहाँ पर ला देना एंड वहाँ पर हम लोग अपने दोस्तों को दुश्मनों को भेजेंगे एंड उन्हें बताएंगे, जो माइकल से पंगा लेगा उसी का यही हाल होगा, वो अपनी सिक्योरिटी वाले भी डरेंगे और जो भी आ गया कि हमें धोखा देने का ट्राई नहीं करेंगे, समझ लो। तो भाई सबको दिखाएंगे जो धोखा देता है उसका क्या सीन होता है। सो यार चलो यार फटाफट से ना लोकेशन की ओर चलते हैं। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं हमारे सीक्रेट बनकर की ओर और यहाँ पर मैंने इसके बॉडी को ला लिया है और रेड निंजा थोड़ा सा सैड हो गया पता नहीं क्यों और कह रहा है कि यार हम लोग फ्रेंड थे एंड वगैरह थे एंड गाइस ये धोखा इसने दिया है गाइस एंड
रेड निंजा को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड भाई साहब क्या ही बोले यार, वो थोड़ा सा गाइस सैड हो चुका है, एंड पता नहीं यार गाइस अब क्या करे गाइस। आपको पता है ये दोनों अच्छे वाले फ्रेंड थे, एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छे वाले फ्रेंड थे। अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियोस देखते होंगे तो यार अब क्या करें यार, धोखा दिया यार, अच्छे वाले फ्रेंड ने धोखा दे दिया। और गाइस लग रहा है ना हैकर गर्ल ने इसको बहुत ज़्यादा ही पीटा है, एंड चलो फटाफट से देखते हैं क्या सीन है और बातचीत करते हैं हैकर गर्ल से और पता करते हैं। ऑल राइट गाइज, ये कह रहे हैं कि मैंने इसको इतना मारा है ना, इतना मारा है, इतना मारा है, एंड ये सिर्फ इतना ही बताई कि अभी जो गोल्ड का लोकेशन है ना, जो अपने मतलब जो पैसों का लोकेशन है जो चुराए थे, वो उसने हमें बता दिया है लोकेशन वगैरह, एंड अभी उसको और भी पिटाई करने वाला है और वो और भी बताने वाली है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे आप इतना कुछ नहीं पता, बस इसी के बारे में मुझे पता है। तो यार अब क्या करें बताओ गाइस, अब ये कुछ बता नहीं रहे, बस इसने लोकेशन ही बतवाया, मतलब ये कह रहे कि अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। अब क्या करें आप लोग ही बताओ, इसको मार दें या छोड़ दें, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो जो 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 ज़्यादा कमेंट मेरे को देखेंगे मार दो कर कर, तो मैं लिख दूँगा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, फिर गाइस आपके सामने इसको गोली मार दूंगा, जो नहीं बोलेगा तो फिर मैं इसको जेल में बंद करके ऐसे रखूंगा गाइस, मतलब जब सही टाइम आएगा तब देखेंगे। तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए जिंदा रखना है कि नहीं। सो यार चलो अभी खाना पीना भी इसको मत दो, जब तक ये नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं देना, मतलब एक दिन तक इसको भूखे रखेंगे। एक सेकंड, ये क्या है, अरे ये तो पुराना ही गाइस, सॉरी। एंड ठीक है आपको याद ही होगा, पता नहीं ट्रेवर ने किया था ये, बट पता नहीं यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ना यार ये रेड टिंजा भाई तू जाने दे भाई, अब क्या देख रहे हो बेचारा गाइस सैड हो चुका है यार, छोड़ दे भाई, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। आपको पता है ये दोनों पहले रेसिंग वगैरह करते थे एंड ट्रेनिंग वगैरह करते थे और अच्छे फ्रेंड भी थे ये दोनों, बट अब क्या करे यार, अब करे तो करे क्या, अब धोखा दिया है तो गाइस दे दिया ना। अब दोनों के बीच में गाइस अब क्या बोलूँ, मतलब दोनों अच्छे फ्रेंड थे और मैं सिर्फ रेड टिंजा को भाव दे रहा था, मतलब भाई अब उसका काम है तो उसी को भाव देंगे ना, मतलब अब के का काम थोड़ी ना है, तू तो उसको नहीं बुलाया, तो के को लग रहा है कि मैं उसको ज़्यादा इज्जत वगैरह नहीं देता हूँ, एंड उसको गलत फहमी हो गई और वो अपने दुश्मनों में जाके शामिल हो गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब आप ही बताओ यार, मैंने गलत किया कि सही किया गाइस, अब गलती तो उसी की है ना, मतलब हमारे टीम में रहना चाहिए एंड हमारे दुश्मन से जाके और हमारे सारे पैसे भी चुरा लिए, मुझे पता भी नहीं चला इसी ने चुराए करके, बट भाई इसी ने चोरी की थी, कोई बात नहीं यार चलो ठीक है। और अब वो उसने मुझे जो लोकेशन दिया ना, पहले जाके देखता हूँ, एंड भाई वो लोकेशन तो वैसे बहुत छोटे गांव में, मुझे नहीं लगता इतने छोटे गांव में इतने ज़्यादा पैसे वगैरह होंगे, एंड उसका छोटा सा वहाँ पर एक बनकर है, वो कह रहा है बनकर नहीं एक गोदाउन कह लो। ठीक है यार जाके पहले देखता हूँ, फिर NSG वाले को कॉल करता हूँ, एंड अभी थोड़ी सी अभी रात भी हो रही है, शाम भी हो रही है, पता नहीं कैसे अबर आए हुए, आई थिंक नहीं शाम नहीं हो रही वैसे, तो अभी तो सुबह हुई है गाइस। चलो इधर अबर वगैरह आए एंड फटाफट से ना आपको लोकेशन की ओर मैं आपको उधर ही मिलता हूँ। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोकेशन की ओर और मेरे को इधर ही कहीं लोकेशन वगैरह दी है। चलो यार एक सेकंड, मैं मुझे लग रहा है ना थोड़ा मेरे को पीछे रहना चाहिए। ऑल राइट थोड़ा पीछे रहता हूँ एंड आगे जाता नहीं हूँ, वरना प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसने सारा पैसा वगैरह छुपाया है, तो समझ ही सकते हो। लेट्स को एक सेकंड, यहाँ पे मेरे को तो उसकी सिक्योरिटी के बंदे नज़र तो आ रहे हैं भाई, अब किसका सिक्योरिटी करोगे सालों, तुम्हारा बॉस तो मर चुका है। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने दो बेटा करने दो, कोई बात नहीं, तुम लोग अब क्या ही बोले। अब गाइस अपने पास यहाँ पे तो मेरे को दिख चुके हैं ये लोग, अब मैं NSG वालों को कॉल करता हूँ एंड फिर ना इनकी बैंड वगैरह बजवाते हैं सालों की भैंस, क्या कितने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, मेरे को कम नज़र आ रहे हैं, क्या पता आगे भी हूँ, एक काम करता हूँ, एक कार में जितने आ सकते हैं ना आ जाओ भाई, 8 या 10 या 15 आ जाएंगे आई थिंक, ये जितने भी आते हैं तुम लोग को कॉल करके ना बोल दो, पहले एक बार देख लो गाइस, चेक कर लेता हूँ, वरना ऐसा ना हो कि भाई हम पे वो लोग भारी पड़ जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक वाली सिक्योरिटी है भाई, समझ रहे हो, ऐसी वही सिक्योरिटी नहीं है गाइस, मतलब ये फुल SPG तो है बट कपड़े वगैरह पहने फुल अपग्रेडेड वर्जन, मतलब ऐसे लग रहा है ये SPG नहीं है भाई, ये ऐसे लगता है ये कोई भाई जंग के बंदे हो, मतलब ऐसे लग रहा है कोई सोल्जर वगैरह हो, बट फुल वेस्ट वगैरह पहनी है, कोट वगैरह नहीं पहनना, मैंने इनको बोला था कोट वगैरह नहीं पहनना, बट चलो ठीक है। ऑल राइट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है तो फटाफट से ना गाइस मेरे को समझ तो आ गया, ज़्यादा लोग नहीं तो आराम से मार देंगे भाई, तो फटाफट से कॉल करते हैं और देखते गाइस और वेट भी करते हैं।
ऑलराइट गाइस, मैंने कॉल वगैरह सब कुछ कर दिया एंड वेट भी किया था, और गाइस मैं बोला टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट जब वो आएंगे तभी आपको मिलवा देंगे। सो यार वो लोग आ भी चुके हैं एंड 15 मिनट इधर हो चुके हैं, मतलब 15-20 मिनट हो चुके हैं। सो चलो यार टोटल कितने आ चुके हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलो यार आ चुके भाई। ऑल राइट, अब एक काम करो, डायरेक्ट इनको मैं ऑर्डर वगैरह देता हूँ एंड फिर ना आएगा मज़ा, समझ रहे हो। सो चलो गाइस लेट्स गो और डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, क्या बोलते हो, क्या करते हो गाइस, डायरेक्ट अटैक ही कर देंगे बिल्कुल ही शेर की तरह। 1, 2, 3 जाओ फटाफट से जाओ अटैक कर दो, लेट्स गो गाइस, अब आने वाला है मज़ा। अब ये जैसे फाइट करेंगे डायरेक्ट अटैक करेंगे भाई, छुपके से नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आता है वैसे करने में, डायरेक्ट घुस के मारेंगे, समझ रहे हो, फिर ही आता है गाइस। आप लोगों को बताना छुपके मारने में क्या है यार, ठीक है। ऑलराइट गाइस सबको मार देंगे, यो गाइस सबको लेट्स को भैंस की आग, चल तू भी निकल। और कोई है क्या, बहुत कम नजर आ रहे हैं, सिगरेट बंद करे, छोटा गांव का एरिया है ये, ज़्यादा सिटी वगैरह पुलिस वगैरह आने के चांसेस नहीं है, इसीलिए सर ने यहाँ पर एक बनकर बनवाया है, मतलब समझ रहे हो, ये सारे इसमें पैसे वगैरह आए होंगे मुझे लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ के ट्रक वगैरह हैं। ऑलराइट लेट्स को चल निकल, तू भी निकल, चल निकल भैंस की आप, चल निकल साले खोपड़ी के। ये भी गया, ओ भाई मर नहीं रहा ये, फुल वेज अपग्रेड किया गया इसने, कोई बात नहीं, देखो का किस जम मार रहा है भाई, लग रहा है ये यहाँ पर ना सारे प्रो वाले बंदे लग रहे हैं मुझे गाइस, हाँ मुझे समझ आ गया गाइस, यहाँ पर सारे प्रो वाले बंदे, समझ रहे हो, यहाँ पर इसके पैसा वगैरह है ना, तो यहाँ पर इसके सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वाली सिक्योरिटी होगी गाइस, हाँ वही बोला गाइस, यहाँ पर ना सारी स्ट्रॉन्ग वाली सिक्योरिटी इसने लगवाई है, वो देखो साला कितने देर के बाद मरा है, आप लोगों ने नोटिस किया भाई साहब, ये देखो ये लोग भी मर गए, चलो आराम से ये लोग मर चुके, बट इस बंदे ने यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग वाली सिक्योरिटी लगवाई है, जो कि अच्छी बात नहीं हमारे लिए। ओ शर्ट मैंने देखा था ऊपर नहीं थे भाई, ये गाइस गलत है गाइस, अगर कुछ प्लान वगैरह फेल होता है ना तो मेरे यहाँ पे एनएसजी के बंदे भी मर सकते हैं, क्योंकि एनएसजी और ये एसपीजी की पावर ना इक्वल होती है, मतलब दोनों टक्कर के लोग होते हैं, समझ रहे हो, मतलब दोनों की स्किल बराबर होते हैं गाइस, तो मैं नहीं चाहता कि यार हमारे भी लोग मरे, क्योंकि इसने यहाँ पर बड़े वाले खतरनाक वाले कमांडोज लगवाए। ऑलराइट कोई बात नहीं, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो चैट पे एनएसजी लिख देना तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, और डेट्स को अभी भी और भी लोग हैं, शिट मैन, कोई बात नहीं भाई, पैसा कहाँ पर है, पैसा ना इस घर के अंदर होगा, बट पहले इनको मारना भी ज़रूरी है। ऑलराइट लेट्स गो, चल निकल खोपड़ी के। ऑलराइट गाइस इसको भी ले लिया है, ऑलराइट गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल तू भी निकल भाई, सबको पहल देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी है क्या, चल तू भी निकल, चलो आई होप कि गाइस हम लोग ना जीत रहे हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है ख़त्म हो गए। ऑलराइट यार गाइस लग रहा है ना हम लोग जीत चुके हैं, और एक सेकंड और भी आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग आ कहाँ से, लग रहा है उधर भी कोई बेस वगैरह इसने बनवा के रखा है। ऑलराइट कोई बात नहीं, आराम, आरपीजी उनके पास, देख कर, आराम से भाई, अरे आराम से जाओ आरपीजी, अरे यार भाई सब पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे, देख रहे हो, ओ शिट, बच गया, कसम से मिसाइल ऊपर गया, कवर ले लूँगा, अरे यार वो आरपीजी यूज़ कर रहे हैं, कवर लेके क्या फ़ायदा, अरे नीचे आ जा मेरे भाई, नीचे आ जा वरना मरेगा उधर, यार वो ऐसे कवर मेरे जैसे वो दीवार हो भाई, यार अरे नीचे आ जा मेरे भाई उधर, यार वो कपड़ा है गाइस, वो लकड़ी का टुकड़ा है, वो ब्लास्ट भी हो सकता है, अगर उसने आरपीजी इधर ब्लास्ट कर दिया ना यार दोनों ये बंदे मरेंगे भाई, देखो यार मैंने बोला था यार छपरी हो क्या भाई, ये मर गया वो नहीं मरा, व्हाट ये क्या सीन है भाई, वो क्या था पता नहीं गाइस, जो भी हो भाई जो मरने वाला था वो, ओह शिट भाई क्या ही गंदा मारा, वो स्पीयर लग दिया उसको भाई साहब आरपीजी का। ऑलराइट अरे बच के ब्रदर, ओ भाई ये देखो यार वो ज़्यादा ही प्रो वाला कमांडो लग रहा है, बच के रहना, ओ शिट क्या ही बचा मैं, कैसे वो प्रो वाला कमांडो है भाई, वो प्रो वाला बंदा है, ओ शिट मैन भाई, मैं बोला था ऊपर मत जाओ यार, कैसे मेरे को निकलना होगा भाई, वो प्रो बंदा है, बहुत ज़्यादा ही प्रो बंदा है, एक गया, एक तो गया गाइस, एक गया बस, आई थिंक एक दो बाकी है,
दो बाकी आरपीजी सालों के पास, आराम से फाइट करना है यार। बट मेरे एनर्जी के बंदे बहुत ज़्यादा मर चुके हैं। ओ शिट, ये कहाँ से आ रहा है? वो देखो सामने देखो। रुक जा, आ रहा हूँ। बच लेना, कवर में रहे। ओ शिट यार, मार दिया साले तेरी वॉइस की। भग गर्दन के ऊपर से गया यार। शेट यार, आग बुझाने की कोशिश करूंगा तो भाई यार छोड़ो, मर गया हो यार। मैंने बोला था यार गाइस, बच के रहो, यहाँ पर पूरे पावरफुल वाले कमांडोज लगे हैं भाई, क्योंकि अब ना इसके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह बची नहीं है। लास्ट वाली सिक्योरिटी बची है इसकी, मतलब टोटल 100 लोग थे। गेम ख़त्म है, गेम ओवर हो चुका है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स गो एंड चेक करते और भी कोई है क्या भाई। यहाँ पे कोई फाइट वगैरह हो रही है, गोलियों की आवाज़ तो आ रही है। लेट्स गो चेकआउट करता हूँ। और एक सेकंड, वहाँ पे भी फाइट हो रही है, बच के रहना। एक सेकंड, यहाँ पर अपने बंदे को मार रहे हैं वो आरपीजी। लेट्स गो एक सेकंड, साला मर नहीं रहा है वो, मर गया क्या पता नहीं। एक सेकंड, साला कवर ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कवर में बैठा है। ऑल राइट शिट आरपीजी आ गया भाई, बच गया कसम से। वो भाई कार के पीछे लग गया, क्या ही बचा मैं। देखा आप लोग ने भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, एक मिस होता ना वरना जगह पे ख़त्म था। बट कोई बात नहीं, थोड़ा पास में जाके मारना होगा बेचारे इसको, क्योंकि वो शॉट में ना जा मार नहीं पाए। वो देखो वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, एंड वो छपरी जाए, वो देखो अपने फ्रेंड को मार रहा है। आराम से चल। ओ शिट यार गाइस, भाई मर नहीं रहा वो, स्पेशल कमांडो लग रहा है वो मेरे को। ओ शिट भाई, क्या ही बच रहा हूँ ना बस। ओ देखो पुलिस वाले भी आ गए उसको पकड़ने के लिए, कोई बात नहीं। ओ भाई क्या ही बच रहा हो। ऑल शेट उस बंदे ने कार में मार दिया। अरे शेट, ये क्या था? वो बंदा फायर किया और वो कार का दरवाज़ा ओपन था, एंड भाई पुलिस वाले मर गए बेचारे, मेरे को बचाने के लिए आए थे ये लोग। भाई क्या ही सीन था ये गाइस, कसम से। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई चैट पर लिख देना स्कैम ओपी, मतलब स्कैम मत लिखना, एंड भाई क्या ही लिखो यार, स्कैम ओपी लिख देना, मतलब क्या ही था ये। वो बेचारा खुद ही मर गया भाई। एनएसजी वाला बोल रहा है कि अपने बहुत ज़्यादा ही बंदे मर चुके हैं यार, मैंने तुम लोग को बोला था यार, तुम लोग कवर में रहो, तुम लोग को बोला था यार, वो स्पेशल कमांडो लगे उसके वहाँ पर यार। बट ये लोग ने मेरी बात ही नहीं सुनी गाइस, कसम से यार। वहाँ पर उसका बनकर है तो वो स्पेशल बंदे लगवाएंगे ना यहाँ पर ही। साला अपने टाइम पे उसने अच्छे वाले बंदे नहीं लगवाए, अपने जो मेंशन था ना वहाँ पर नुबड़े नए नए भर्ती वाले बंदे लगवा दिए, और जो स्पेशल खतरनाक वाले बंदे वो अपने खुद बनकर पर लगवाया साला, देख रहे हो। बट कोई बात नहीं, ये सिक्योरिटी भी क्या कर सकती है, इनका बॉस ही गोचू है गाइस। ये वाली सिक्योरिटी जो है ना, इनका बॉस मिला हुआ था, बट इनकी भी क्या गलती है, बेचारे ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, अब इनको भी मारना पड़ रहा है। बट अपने को अपना पैसा लेना है तो इसलिए मैं इधर आया हूँ, अपना सारा का सारा पैसा लेने के लिए। देखो अपने भी लोग मरे हैं, चलो कोई बात नहीं है। देखो बेचारे भाई, ये क्या ही खतरनाक वाला सीन था ना गाइस, भाई साहब मज़ा ही आ गया। बट यार मज़ा तो आया, बट अपने बंदे भी मरे हैं भाई, वो पूरा ही ब्लास्ट कर दिया उसने, वॉल वगैरह सब कुछ वो ब्लास्ट कर दी थी। ऑलराइट गाइस ठीक है यार भाई, यहाँ पर भी ये बंदा बेचारा मेरे सामने मरा है, अब क्या ही करूँ। उसको मैं बचाने वाला था बट उसने फायर कर दिया, वो कवर ले ही नहीं रहा था यार। बट चलो यार, एनएसजी वाले बंदे कभी हार नहीं मानते, कवर नहीं ले रहे थे। वो बंदा मेरी जान बचाने के चक्कर में छुपा नहीं था, बट अच्छी बात है गाइस, मतलब वो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, मेरे लिए कुर्बानी कर दी उस, मतलब उसको लगा अगर वो छुपेगा तो मेरे को मार सकता है। सो चलो यार फटाफट से इधर जाता हूँ, एंड इसी में इसने कहीं मेरे, एक सेकंड ये लॉक दिख रहा है, अभी चाबी किसी के पास होंगी तो नहीं। कैसे एक काम करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ स्टिकी बॉम्ब से, यहाँ पर ही सारे पैसे वगैरह इसने रखे होंगे। लेट्स गो, चलो यार गाइस, लग रहा है लॉक वगैरह टूट गया होगा। एंड ऑल राइट गाइस, अंदर तो मैं आ चुका हूँ अंदर। एक सेकंड, ये कौन है? और डर गया ना मैं, भैंस की आग, मुझे लगा ये कौन है भाई, डमी थी, कपड़े पहना के रखे सालों उसको। और ये देखो गाइस यहाँ पर ना, ओ शिट, पैसा भी है, गन भी है, पता नहीं क्या क्या, ये देख रहे हो, ये अपने पैसे चुराए हुए गाइस, जो अपने हेलीकॉप्टर पर आया था ना साला, भैंस की आग, ये पूरा का पूरा पैसा देख रहे हो। और गाइस यहाँ पर गन, गोलियाँ, जो भी आर्मर होता है सब कुछ है यार यहाँ पर। ये देखो पैसों की गड्डियाँ भी है, एंड बहुत कुछ है गाइस, सारा का सारा अपना ही पैसा। और ये देखो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इधर लगे हैं,
यार अगर आप मेरी वीडियो गाइस क्या ही सीन है, मतलब देख रहे हो ना, बॉम्ब वगैरह, ग्रेनेड, माल वगैरह सब कुछ है इधर भाई। छोटे से गांव में मुझे लगा इधर बनकर वगैरह बन गया, इधर कोई आने वाला भी नहीं है, पुलिस भी नहीं आएगी ना ही कोई। कोई बात नहीं, तो चलो एनएसजी वालों को बोलता हूँ यार, सारा का सारा माल ना अपने गोदाम में रख दो सिक्योरिटी वाले बनकर पे, और पैसा वगैरह निंजा सिक्योरिटी को दे देना ध्यान से। अब मैं निकलता हूँ अपने आगे के काम के लिए, बहुत कुछ करना है भाई, बहुत कुछ करना है अपने को, बिजनेस वगैरह भी करना है। और मेरे जो कार वगैरह है वो पूरा के पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरे कार सेल हो चुके हैं। और गाइस ठीक है ना, मतलब कार जो अपना बिजनेस चल रहा था बढ़िया वाला, वहाँ पर भी कार ख़त्म है, और भी कुछ अपने को अब ऑर्डर वगैरह करने हैं बढ़िया वाली कार्स। सो चलो यार फटाफट से ना चलते। अगर आप मेरी वीडियो आपको लाइक अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, जो कि आप नहीं करते हो यार, पूरा वीडियो वॉच करते हो बट सब्सक्राइब भी नहीं करते हो ना ही कुछ करते हो। तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और जल्दी जल्दी वीडियो भी आ रही है और बहुत कुछ आने वाला है आगे जाके, तो रेडी रहना उसके लिए। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ट्राई करेंगे ट्रेवर और अपने सारे दुश्मनों को मारने के लिए। अभी तो हमारा एक दुश्मन मर चुका है और बहुत कुछ बाकी है, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ बाकी। तब तक के लिए गाइस सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।